केजीएफ चैप्टर टू में रॉकी जिस गुरु पांडियन को मारा था जो कि पार्लियामेंट का मिनिस्टर था, वही सेम इस मार्टिन में। जब मैंने इस उर्दू वर्ड को ट्रांसलेट किया तो मुझे पता लगा कि यहां लिखा हुआ है मार्टिन जिस जेल में गया है वो कोई नॉर्मल जेल नहीं है, क्योंकि वैसे मैं मार्वल की मूवीज की हिडन डिटेल्स नोटिस करता हूं, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि कन्नड़ा इंडस्ट्री इतनी तगड़ी डिटेल्स डाल सकती है अपनी मूवीज में। तो मैं हूं हेमंत और आज मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूं मार्टिन मूवी के टीजर में से 20 प्लस हिडन डिटेल्स और हाँ ऑब्वियसली कुछ मिस्टेक्स भी। तो जो टीजर का फर्स्ट फ्रेम है उसमें हमें पाकिस्तान की लोकेशन दिखाई जाती है। वैसे तो ये फ्रेम नॉर्मल दिखेगा, लेकिन जब तुम इसमें जूम करके देखोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि ये सीन फेक है। मतलब इसमें कुछ घरों को ग्रीन इफेक्ट दिया गया है ताकि वो पाकिस्तान की लोकेशन लगे, मतलब कुछ सिंपल सी पेंट इफेक्ट दिए गए। नेक्स्ट जब हम कुछ सीन आगे चलेंगे तो हमें ये सीन दिखेगा जिसमें दो आर्मीज की डील होती दिखेगी। अब मोस्ट प्रोबेबली ये डील मार्टिन की हो सकती है। अब ये डील पाकिस्तान की दो आर्मीज के बीच हो रही है या फिर इंडिया और पाकिस्तान के बीच हो रही है ये नहीं पता लग पाया, पर हाँ इतना जरूर पता लगा कि राइट वाली साइड जो फोर्स है वो पाकिस्तान की फोर्स है, क्योंकि इस जीप पर उर्दू में पुलिस लिखा हुआ है। फिर इसके नेक्स्ट सीन में मुझे ये नहीं पता लग पाया कि मार्टिन है या कोई और, पर ये लीडर है इस जेल का जो कि हमें टीजर में दिखाई गई थी। या तो ये मोटिवेशन स्पीच दे रहा है या फिर ये प्लान बना रहा है ताकि सब एक साथ आ सके। और ये सीन मुझे कुछ कुछ केजीएफ जैसा लगा जब रॉकी भाई पहली बार सुल्तान बनता है लोगों का। इस सब के बाद नेक्स्ट सीन में जहां पर ये कैदी खाना खा रहे हैं वहां पे मुझे कुछ अजीब मिला। जब मैंने इस वॉल पर लिखे हुए उर्दू वर्ड का ट्रांसलेट किया तो इस वर्ड का ट्रांसलेट आया माँ। अब यहाँ पर माँ क्यों लिखा, किसने लिखा, ये मेरी समझ के बिल्कुल बाहर है। नेक्स्ट सीन में हम इस जगह को देख सकते हैं जो कि जेल का एक स्पेशल जगह होगी जहां पर कैदी आपस में फाइट करते हैं। और इन दो कैदियों को देखो, ये दोनों शायद यहाँ पे लड़ने वाले हैं आपस में। और इस डिटेल को थोड़ा याद रखना क्योंकि इस डिटेल का कनेक्शन हमें डिटेल नंबर 27 में मिलेगा आगे चलकर। अगले कुछ फ्रेम थोड़े से फास्ट थे पर फाइनली इस फ्रेम को मैंने पकड़ लिया। तो इस फ्रेम में हम कुछ गन्स को देख सकते हैं जो कि कस्टमाइज की जा रही हैं या फिर बनाई जा रही हैं। इससे जस्ट अगले सीन में मैंने कुछ अजीब चीजें नोटिस की, जैसे कि इस सीन में इसने रिवॉल्वर निकाली जिसमें आई थिंक 6 राउंड होते हैं, मतलब कि 6 गोलियां चलती हैं एक बार में, लेकिन उसके अगले ही फ्रेम में हमें इतनी सारी गोलियां दिखती हैं, जिससे मुझे फाइनली ये पता लग गया कि मूवीज के अंदर गन को रीलोड क्यों नहीं करते। अब देखो इस पर थी रिवॉल्वर, लेकिन कुछ सीन में इसकी रिवॉल्वर थोड़ी अलग लगती है, शायद ये कस्टमाइज गन हो सकती है कोई सी। और यहाँ पर मार्टिन या तो टेररिस्ट को मार रहा है या फिर ये पाकिस्तान में ही हो सकता है क्योंकि इस बंदे को देखो इससे पता लग रही है। अब इस सीन में हम इस जेल को देख सकते हैं जिस पे लिखा हुआ है जेल बिल्ट इन 1967। और ये कोई नॉर्मल जेल नहीं है क्योंकि नॉर्मल पाकिस्तान जेल की ड्रेस व्हाइट होती है मगर यहाँ पर ऑरेंज है, प्लस इसकी लोकेशन भी कहीं दूर जाकर है जैसे केजीएफ में माइनिंग फील्ड्स की थी। और हाँ इस जेल में गवर्नमेंट के रूल नहीं चलते, प्लस इस जेल के कैदी भी नॉर्मल नहीं है। अब नेक्स्ट सीन में यहाँ पर मार्टिन के बारे में बताया जा रहा है एक फाइल के जरिए और इन सारे सोल्जर्स का हेड उस साइड है, मतलब कि इससे ये पता लग रहा है कि ये दूसरे रेजिमेंट के लोग मार्टिन को लेकर आए हैं इस वाली जेल के अंदर। इसके अगले ही सीन में मैंने इस टेबल पर रखे नेम प्लेट के वर्ड को ट्रांसलेट किया तो मुझे नाम मिला इस मेजर का जो कि है रिजवान मजीर। साले चील की निगाह मेरी। इन सीन्स के अंदर ये डिटेलिंग देना मूवीज का मुझे अच्छा लगा, ऐसे ही अगले सीन की डिटेलिंग भी मुझे काफी मस्त लगी, जैसे कि इस पुलिस प्रिजन वैन पर इस्लामाबाद लिखा हुआ है जिसकी बेस्ट डिटेलिंग हमें इसी वैन के नंबर प्लेट पर देखने को मिल जाएगी जिसमें क्लियरली इस्लामाबाद का नंबर डला हुआ है। फिर मेरा मन किया इस वैन पर लिखे हुए वर्ड को ट्रांसलेट करने का, तो मैंने इस वर्ड को जब ट्रांसलेट किया तो मुझे लिखा मिला पुलिस। ये मैंने क्यों किया मुझे नहीं पता। फिर नेक्स्ट सीन में दोबारा पाकिस्तान की लोकेशन दिखाई है जो कि फेक है क्योंकि इसमें भी ग्रीन इफेक्ट तो डाला ही है, प्लस उसके साथ साथ रेड इफेक्ट भी डाला गया है इस बार। इस मिस्टेक को भुलाकर मुझे नेक्स्ट सीन की डिटेल थोड़ी सी अच्छी लगी, जैसे जब मार्टिन फायर करता है गन से तो स्लोमो में ये बुलेट जाती हुई दिखती है। अब मार्टिन को जिस जेल में रखा गया है वहां पर इससे पूछताछ तो हो ही रही है, प्लस इसका माइंड रीड भी किया जा रहा है क्योंकि यहां पर एक डॉक्टर है जो कि शायद साइकोलॉजी की डॉक्टर हो सकती है और पीछे ब्रेन का एक्सरे भी दिख जाएगा। अब ये एक्सरे मार्टिन का है या फिर किसी और का ये तो तुम्हें डायरेक्टर ही बता सकता है। पाकिस्तान के सीन्स के बाद हमें कुछ सीन मुंबई महाराष्ट्र के अंदर के दिखाए गए हैं क्योंकि इस गाड़ी की नंबर प्लेट महाराष्ट्र की है और ये लोकल ट्रेन जिसमें मार्टिन भाग रहा है वो भी। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखती है मस्टैंग। नहीं भाई इसमें कोई डिटेल नहीं है, ये कार मुझे बहुत पसंद है, मेरा सपना है इस कार को लेने का। तो वीडियो लाइक कर देना काश ये वीडियो वायरल ही हो जाए और मैं मस्टैंग ले पाऊं। वैसे मुझे इस मस्टैंग की नंबर प्लेट समझ नहीं आई, शायद ये फेक भी हो सकती है या फिर ये किसी शोरूम से नई नई लेके भागा होगा। अब करेक्ट टीजर के 1:22 वाले टाइम फ्रेम पर ये सीन आता है जो कि काफी आइकॉनिक लगता है मुझे पर्सनली। इसमें फाइट से लेके इफेक्ट्स तक सब आइकॉनिक लगता है। फिर कुछ सीन आगे हमें दिखाई देते हैं अच्युत कुमार जो कि मार्टिन में एक इंडियन ऑफिसर बने हैं, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं ये वही एक्टर हैं जो केजीएफ 2 में पार्लियामेंट के मिनिस्टर बने थे जिन्हें रॉकी गोलियों से छल्ली कर देता है। अब नेक्स्ट दो सीन हमें रेलवे स्टेशन के दिखाए जाते हैं जिनसे मुझे ये पता लगा कि मार्टिन कोई बॉम्ब डिफ्यूज करने जा रहा है, या शायद मैं गलत भी हो सकता हूं तो मुझे गालियां मत देना।
नेक्स्ट सीन थोड़ा फेक है क्योंकि भाई पेट्रोल इतना येलो और गाढ़ा नहीं होता, या शायद इफेक्ट की वजह से सैचुरेशन पॉइंट हाई हो सकता है जिस वजह से ऐसा दिख रहा हो। अब इसके अगले ही सीन में हमें मार्टिन का एनिमी भी दिख जाता है जो कि काफी खतरनाक है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इतनी आग में भी ये थोड़ा सा भी नहीं डरा भाई। इसके अलावा अगला सीन आइकॉनिक के साथ कूल भी है। देखो यहाँ पर मार्टिन आ रहा है अपना सिगार लेकर, लेकिन अभी तक उसने अपना सिगार जलाया नहीं है। उसने अपना सिगार जलाया इस आग से जिसे तुम अगले फ्रेम में देख भी सकते हो। टीजर की एंडिंग फिर से पाकिस्तान की जेल में ही हुई है और यहाँ पर मुझे कुछ मिस्टेक्स भी दिखी, जैसे कि इस वाले फ्रेम में सिपाही को देखो स्माइल कर रहा है भाई, और इसकी शकल भी देखो किससे मिल रही है, अपने पीजे भैया से। पीजे भाई चुपचाप मूवीज में घुस गए हो हैं। ऐसे ही अगले सीन में इन दोनों सिपाहियों को देखो कुछ फर्क नहीं है भाई, बाकियों को देखो बेचारे कितनी मेहनत कर रहे हैं। तुम्हें याद है मैंने तुमसे डिटेल नंबर 5 में कहा था कि मैं तुम्हें उसका कनेक्शन डिटेल नंबर 27 में दूंगा। तो देखो शुरुआत में ये दो सांड आपस में लड़ रहे थे, लेकिन मार्टिन के आने के बाद ये दोनों एक हो गए मार्टिन को हराने के लिए। मतलब अपना हीरो काफी भयंकर है। तुम्हें मेरी मेहनत कैसी लगी लाइक करके कमेंट में जरूर बताना, और ऐसे ही सुपर कंटेंट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तब तक के लिए मिलते हैं अगले किसी ब्रेकडाउन में। टाटा बाय बाय।